सना, आप कैसा खेल फुटबॉल और बास्केटबॉल, हम बचपन से सुनते आते हैं चीजों को मर्द हजरात के साथ जोड़ा जाता है, बास्केटबॉल खासतौर पर, यू नो, एक तो उसमें कद का किरदार और देन यू नो द काइंड ऑफ, ये दोनों स्पोर्ट्स जिस किस्म के हैं, आपके लिए एक औरत होना जो हमारी जेंडर होती है वो आपके रास्ते में कहीं ना कहीं उसके बेसिस के ऊपर आपकी स्ट्रगल कुछ मुख्तलिफ रही या इस चीज का कोई रोल नहीं रहा और बेसिकली जो आपका खेल है और आपके अचीवमेंट्स हैं उसमें अपना ही आपका एक किरदार था, उसको जेंडर को तमाम मामला को एक तरफ रखते हुए और उम्र एज में एक और सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं कई काफी बात करती हूँ। बेशक हम लोग बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान में यंग लोगों की पॉपुलेशन बहुत है लेकिन एजिस रवैया भी बहुत है हमारे यहाँ, नौजवान को बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं किया जाता, तो आपका इस हवाले से कैसे रही जर्नी? बहुत शुक्रिया तमाम ऑर्गेनाइजर्स का, स्पेशली सीडीए एंड चीफ कमिश्नर साहब एंड सीडीए चेयरमैन मैंगल साहब के, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की इस तरह के इवेंट में जिधर ना सिर्फ नौजवान लेकिन और भी शख्सियात मुख्तलिफ शोबों से उनको बुलाया गया, उनको सेलिब्रेट किया गया, उससे ना सिर्फ हमें खुशी मिलती है बट एक मौका मिलता है सबको, ज़्यादा अवेयरनेस होती है कि हमारे शहर में और हमारे मुल्क में किस तरह के लोग हैं। सो थैंक यू वेरी मच आपका भी और पैनलिस्ट का भी, मुझे बहुत खुशी हो रही है, फख्र की बात है कि आप सबके साथ आज इस पैनल में बैठने का मौका मिला। जहाँ तक एक औरत होने का सवाल आपने किया और एक नौजवान होने का सवाल किया, मैं बिल्कुल उसमें आपके साथ एग्री करूँगी कि फुटबॉल और बास्केटबॉल एक ऐसी स्पोर्ट्स हैं जो कि हमेशा से ही स्पोर्ट्स इन जनरल ही मर्दों का एक एक स्पेस माना जाता है और इससे मुझे बहुत इख्तलाफ इसलिए है क्योंकि जब हम बच्चों को सड़क पर क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि वो लड़के खेल रहे हैं, उसमें फ्रेंड्स बना रहे हैं, दोस्तियां हो रही हैं, हार जीत हो रही है, एक 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 माइंड रिफ्रेश हो रहा है अपने स्कूल आवर्स के बाद, एक फ्री टाइम मिल रहा है, तो वही सारी चीज़ें लड़कियां भी डिजर्व करती हैं और वही सारी खुशी या वही सारी लर्निंग्स जो जो गेम से लड़कों को मिलती है वही सारी चीज़ें लड़कियां भी डिजर्व करती हैं। तो मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स वालदैन जो यहाँ हैं प्लीज़ आप इसको कोई ऐसी चीज़ मत समझिए, जैसे आयशा ने कहा कि हम सबका मेरा ख्याल है एक एक पिलर यही रहा है या एक कॉमन फैक्टर यही रहा है कि हमें हमारी फैमिलीज ने सपोर्ट किया और ट्रस्ट किया, तो बहुत मुश्किल होता है लड़कियों को ट्रस्ट करना, बहुत मुश्किल होता है बच्चों को इस तरह बाहर आज़ादी देना, बच्चियों को मुख्तलिफ शहरों में भेजना, मुख्तलिफ ममालिक में भेजना, लेकिन एक ट्रस्ट की बात है और ये घर से मिलती है और आप वालदैन से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ अपनी बच्चियों को अपने बच्चों को ट्रस्ट करें, उनकी उनकी तरबियत ठीक करें ताकि आपको कभी खौफ ना हो कि वो दुनिया में जहाँ भी जाएँ तो वो एटलीस्ट अपने घर की वैल्यूज और अपने मुल्क की वैल्यूज अपने साथ लेके चलेंगे। और उसी ट्रस्ट के साथ मेरे वालदैन ने मुझे इस तरह इंकरेज किया, स्पोर्ट्स में डाला और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है आज तक उनको मेरा ख्याल है कोई मौका नहीं दिया हमने शिकायत का और सिर्फ अपनी पूरी कोशिश की है और जो अपने शौक के लिए हमने किया है और अपने मुल्क के लिए हमने किया है उसी ने हमें आगे बढ़ने की हिम्मत दी है। साथ साथ औरत होने के लिए मैं ये भी कहूँगी कि जहाँ तक शहर का एक रोल होता है स्पेसेस का, मैंने भी एक F6 में ही ग्राउंड था, वहाँ ही खेलते बड़ी हुई मैं, सीडीए ने ही वो ग्राउंड बनाया था और ओवर टाइम उसकी वेयर टेयर भी काफ़ी हुई है लेकिन उस पर काफ़ी लोग भी आए हैं, मुख्तलिफ पार्टीज आए, मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स आए उसको बेहतर करने में, लेकिन ये जो स्पेसिस की बात है मैं कभी कभी उसमें यकीन इसलिए नहीं करती कि जो हम कहते हैं कि फंड्स कम है, फंड्स की अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है, स्पेसेस भी हैं, जगह भी है लड़कियों के लिए हमें खास तौर पे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, हमें कोई सेफ स्पेसेस चाहिए, हमें कोई ऐसी स्पेसेस चाहिए जिधर लड़कियाँ कंफर्टेबली खेल सकें, तो उसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगी तमाम लोगों से, अगर स्कूल्स के आप हेड्स हैं, अगर कोई पब्लिक पार्क्स के आपके अंडर आते हैं, किसी भी तरीके का आपकी जुरिस्डिक्शन में कोई ऐसी स्पेस या प्लेटफॉर्म्स आते हैं F9 पार्क की तरह, तो आप एफर्ट्स कीजिए कि वो इंक्लूसिव हो, उसमें हर तरह के बच्चे और बच्चियां मिल के खेल सकें, बच्चियां अकेले भी पर्दे में खेल सकें ताकि बच्चियों को किसी भी किस्म की हेजिटेशन ना हो या चैलेंजेस ना हो। तो हमारा काम है सोसाइटी कि हम मिल के वो रास्ते इख्तियार करें जो कि हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज लाए। तो यही कुछ मेरे वर्ड, थैंक यू। लड़कियां ही आपस में प्रैक्टिस करें, आप समझते हैं कि इस तरह का एक माहौल दिया जाना चाहिए क्योंकि खेल बहुत मुख्तलिफ नौलियत के हैं ये दोनों। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू
बेंगल साहब आपका कि आपने इतनी बड़ी प्रॉमिसेस और कमिटमेंट लिखी है आज इतने लोगों के सामने, विच आई एम श्योर कि आपकी टीम उस पर पूरी उतरेगी और हम भी साथ देंगे आपका। जो तमाम एथलीट्स हैं जिनके साथ हमारा भी रब्ता है, हम कोशिश करेंगे कि जितनी आपकी सपोर्ट कर सकें टू मेक इस्लामाबाद अ सिटी जिसमें स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी और वेदर स्पोर्ट्स फॉर रिक्रिएशन सबको हम मिल के प्रमोट करें। सो थैंक यू वेरी मच। She's our director of sports. आपके आपको ये टीम के साथ एक्सेस के इश्यूज भी होना चाहिए अगर फीमेल वर्कर्स का, ठीक है ना जी।